हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी लेखपाल वैकेंसी 2021 के संबंध में। तो मैंने थंबनेल में दिया है, देखिए कितने गुना अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। कम परसेंटाइल वाले लोग जो हैं वो ज़रूर देखें, और आपका परसेंटाइल कितना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को, देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021। तो पीएटी में कितने लाख जो है सफल उम्मीदवारों को दिया जा सकता है राजस्व लेखपाल भर्ती में आवेदन करने का मौका। जो लोग पीएटी में जो है जिनका अच्छा सा स्कोर है उनको मौका दिया जाएगा लेखपाल की वैकेंसी में। तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने पीटी के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब आयोग द्वारा जल्द ही राजस्व लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती आयोजित किए जाने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट है वो मेन रोल प्ले करेगा। जिनका भी जो है नॉर्मलाइज स्कोर होकर जिनका अच्छा है तो परसेंटाइल के बेस पर जो है ये जो है लेखपाल भर्ती में आवेदन करने का आपको मौका मिलेगा। तो यूपी ट्रिपल एससी की पैट के लिए लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें करीबन 17 लाख जो है उम्मीदवार जो थे इस पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। इस एग्जाम के रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी राजस्व लेखपाल भर्ती में लगभग 20 से 30 गुना जो है अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो जो लेखपाल की वैकेंसी है वो आपकी होनी है 7,882 पदों पर। तो आप अनुमान लगाइए सिर्फ 8,000 पदों से, तो यदि 8,000 पद मान के चलिए क्योंकि इसका जो है दोबारा अध्याचन भेजा गया था, तो 8,000 से यदि जो है 20 का गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं 8×16, तो इतने अभ्यर्थी जो हैं उनको मौका दिया जाएगा भर्ती में बैठने के लिए। और इसके साथ ही ये जो है 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, तो 30 गुना अभ्यर्थियों में जो है यदि बुलाए जा रहे हैं तो आप 30 गुना इसका करके देख लीजिए जो है ये होगा 24, तो इतना जो है अभ्यर्थी बैठने का उनको जो है मौका दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो है लगभग 4 से 5 लाख पीटी में सफल उम्मीदवारों को लेखपाल भर्ती में आवेदन का मौका दिया जाएगा। और यदि जो है इन्होंने कम गुना जो है पदों की संख्या के जो कम गुना अभ्यर्थियों को अगर बुलाया तो लगभग 3 लाख भी हो सकती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो लगभग 65 के जिनका भी परसेंटाइल ऊपर है तो उन अभ्यर्थियों को जो है मौका मिल सकता है। और उसके बाद जो है इसमें जनरल ओबीसी और एससी एसटी जो है उनके हिसाब से जो है अलग अलग जो है परसेंटाइल होगा। तो जिनका भी यदि इस हिसाब से बुलाया जा रहा है 20 से 30 गुना, तो लगभग 65% पर जो है ओबीसी कैंडिडेट जो है सेफ हो जाएंगे, और 70% पर जनरल, और लगभग 63 वाले जो हैं एससी के कैंडिडेट भी जो है बुलाए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है यदि जो है नोटिफिकेशन में दिया गया तो इतने अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है लेखपाल भर्ती में। लगभग जो है हर कंडीशन में जो है 3 लाख से ऊपर और 4 लाख के समथिंग जो है अभ्यर्थियों को बैठने का मौका जरूर दिया जाएगा। फिलहाल इसमें जो है 4 से 5 लाख का जो है एक अनुमान लगाया गया है, तो फिर भी आप जो है 3 लाख अभ्यर्थियों को मान के चलें, 3 लाख अभ्यर्थियों को एग्जाम में जरूर बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।